साहब, आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर तो तब्दीलियां आती ही रहती हैं। आप काफ़ी अरसे तक खामोश रहीं, उसके बाद अब आपने काफ लीग ज्वाइन कर ली है। मेरे साथ आपका पहला कमेंट होगा, तो इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि काफ लीग ही ज्वाइन करने की वजह क्या बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जमील साहब अपने शो पर इनवाइट करने के लिए। मुस्लिम लीग काफ जो है, मुझे इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नज़र आई जो एक पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए और पाकिस्तान के अमन के लिए उसने हमेशा अपना किरदार अदा किया, और प्लस अवाम के वसाइल पर, अवाम के जो पैसे हैं उन पर हमारी जो लीडरशिप है उनकी नज़र कभी नहीं रही, और करप्शन जो करप्शन से एक पाक हमारी एक लीडरशिप है, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब रहे दो मरतबा, और ब्रिटिश जो नेशनैलिटी है वो छोड़कर पाकिस्तान आए ताकि जो बरतानिया में जो डेमोक्रेसी उन्होंने देखी जिसमें आम लोगों की बहुत अहमियत है, और गवर्नेंस जो वहाँ पे उन्होंने देखी, तो यहाँ पर वो एक इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। और दूसरा ये है कि यहाँ पे एक जमहूरी जो मुझे हकीकी जमहूरियत है वो मुस्लिम लीग काफ में नज़र आई, क्योंकि ना मौरूसियत है। अगर चीफ ऑर्गेनाइज़र को आप देख लें या आप मुझे देख लें तो हम किसी चौधरी ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन हमें भी वही, हमारा भी एक वोट है जो कि चौधरी साहिबान का है, तो हम एक मुश्तरक कंसेंसस से फैसले लेते हैं। हर आम आदमी को या हमारे जो हर वर्कर है उसको हम इज्जत देते हैं, और किसी जो है किसी की कुर्बानियों को, किसी के जो खिदमात हैं, सर्विसेज हैं, उसको हम नज़रअंदाज नहीं करते जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में होता है। राइट। तो चौधरी सरवर साहब आपके बड़ों में से हैं काफ लीग के, वो कह चुके हैं कि हमारा इल्हाक सिर्फ नून लीग से होगा या फिर नवाज शरीफ साहब से होगा, आप इंडोर्स करेंगी उनकी इस बात को? देखिए, सियासत में तो सियासी जमातें ही आपस में मिलकर चलती हैं, और जब भी कोई हुकूमत बनती है पाकिस्तान में तो अगर कोई मेजॉरिटी में नहीं होती किसी पार्टी की, तो फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर जो हैं वो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं, और ये पाकिस्तान के निज़ाम में चलता आ रहा है। तो बाकी ये है कि जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो उसके ऊपर हम इश्यूज़ के ऊपर बात करते रहे हैं। महंगाई का इशू हो गया या आवाम को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को फराहम ना करना हो गया या बजट हो गया, तो उसके ऊपर हम बात करते रहे और करते रहेंगे। तो कोलिशन जो है वो हमारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो सकता है, लेकिन ये है कि हमने 2010 में पीपल्स पार्टी के साथ कोलिशन की थी और हम उनके साथ रहे थे, लेकिन जब फ्यूल प्राइसेस को बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया तो उस वक्त हम उनसे भी अलग हुए थे इसी इशू के ऊपर कि आवाम की पहुंच से दूर थे ये जो फ्यूल प्राइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो फिर हम उनसे अलग भी हुए, लेकिन फिर जब उन्होंने फ्यूल प्राइसेस को कम किया तो फिर हम दोबारा उनकी हुकूमत में आए। तो हमारा जो पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान के आवाम के लिए है, मुल्क की बेहतरी के लिए है, और इंशाल्लाह हम इतिहाद तो सियासी जमातों के दरमियान होते रहते हैं हुकूमतें बनाने के लिए। वेरी राइट, आप साथ मौजूद रहिएगा। मैं शुएब शाहीन और कैसर साहब से पहले ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब का कमेंट लेना चाहूँगा। सर, 9 मई के शरपसंदों के केसेस मिलिट्री एक्ट के तहत चलाने की करारदाद कौमी असेंबली से मंजूर करा ली गई है, कितनी बड़ी एंडोर्समेंट है ये, प्लीज कमेंट। ब्रिगेडियर साहब, आपने अपना माइक म्यूट किया हुआ है, इसको जरा अनम्यूट कर दीजिएगा प्लीज। जी हेलो। जी 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 ब्रिगेडियर साहब। हेलो। जी जी बोलिए। अच्छा, देखिए बात यह है, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि 9 मई का बहुत बड़ा सानिया है, बिल्कुल पीटीआई के जो लीडरशिप इन्वॉल्व है किसी भी रैट के मुस्तक नहीं है, और खास तौर प्लानर्स एग्जीक्यूटर जो इंस्टिगेट कर रहे थे उनको पिन पर भी कर लिया गया है। लेकिन ऑनेस्टली आई फील के ये पाकिस्तानी आर्मी एक्ट सब को चलाने करारदाद पास की गई है, इसके लिए मेरे एस्टेब्लिशमेंट हैज टू बी वेरी केयरफुल, इसलिए कि हमें किसी हालत में भी जो ये PMLN है ये अपने आर्मी के शोल्डर से फायरिंग ना करें, अपने शोल्डर से खुद फायर करें, और बिल्कुल जो इन्वॉल्व होंगे सीरियस उनको जरूर पाकिस्तान आर्मी पर ट्राई करना चाहिए, कोई भी हो किसी का तफरका किए बगैर उसको सजा मिलनी चाहिए, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो एग्जाम्पल रिटर्न फॉर। लेकिन बात यह है कि हालांकि मिलिट्री कोर्ट्स में और सिविल कोर्ट में फर्क कोई नहीं है, मैं आज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि वही उसी तरीके से कोर्स लगता है, उसी में सिविल आपको उसको राउंड होता है अपना वकील जिसको मर्जी आय कर लें, इंसाफ के तकादे पूरे किए जाते हैं, द ओनली डिफरेंस इज के इसको थोड़ा सा तेज लाया जाता है, एक्सपीडाइट किया जाता है। ठीक। एक्सपीडाइट करने के बाद
फिर उसके बाद इसका जो डिसीजन होता है वो जो भी होता है वो चीफ आर्मी स्टाफ को जाता है। उसके बाद आपके पास रेमेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अवेलेबल है। सो इसमें ये इंसान करें कि पता नहीं पाकिस्तान आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल में चला गया और क्या हो जाएगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती है। बट द पॉइंट इज कि इसमें आपके जो एंटी टेररिस्ट कोर्स चल रहे हैं सिविल कमांड को ज्यादा केसेस उसमें चलाने चाहिए। ओनली जो लिमिटेड केसेस हैं जो कि इसमें सीरियसली इन्वॉल्व थे उनके उनको जरूर ट्राई करना चाहिए। बट आई विल नेवर अलाउ PMLN to fire all shots from shoulders of army. I think that I am convinced, and this is what I will recommend always to the military, ke ji hame selective kare, ke cases kare, but not all. That is going to, I think, create a lot of difficult position for Pakistan army. Very right. Very apt analysis. Very apt analysis. आप साथ रहिएगा विजय साहब, मैं शुएब शाहीन साहब। आज सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया यकम मार्च वाले फैसले के ऊपर, और उसमें कहा गया कि 4-3 वाली जो बात है वो गलत है, यानी 3-2 वाली बात जो थी वो दुरुस्त थी जो कि एक्चुअल फैसला था। लेकिन ये मुसलसल जो बात होती रही है पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान से बाहर, उधर तो अब फैसला आ गया लेकिन ये अभी तक बजद हैं सारे हुकूमती। लेकिन पहली बात तो ये है कि जमील साहब इस पर कमेंट करके आपके डायरेक्ट सवाल पर आता हूँ कि आर्मी एक्ट का जो इतलाक़ है, देखें आज जब पार्लियामान ने इसको टेकअप कर लिया था तो पार्लियामान को ये याद रखना चाहिए था कि आपने 2015 में 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन में तरमीम की थी फॉर दैट पर्पज़ कि आप सिविलियन का ट्रायल कर सकते हो थ्रू आर्मी एक्ट, और उस तरमीम के ज़रिए आपने 2 साल का टाइम दिया था, वो थी 21वीं तरमीम। फिर सब्सिक्वेंटली उस 2 साल को एक्सटेंड करने के लिए 23वीं तरमीम करनी पड़ी इनको। फिर 2017 से 2019 तक आया और तमाम पोलिटिकल पार्टीज उसके साथ शामिल थी, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन में तरमीम हुई थी। अगर आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं थी तो उस वक्त भी आप सिंपल करारदाद के ज़रिए आप इसको ओके कर देते। करारदाद ना ये एक्ट होता है, ना ये आइन में तरमीम होती है, ना ये कानून होता है, और उसकी कोई लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, और सिविलियन को किसी सूरत आप आर्मी एक्ट के तहत प्रोसीड कर नहीं सकते हैं अगर ये करते हैं। बहरहाल इस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट फैसले दे चुकी है। जब ये 98 में भी इस तरह की कोशिश हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसलों के जरिए उसको नलीफाई कर दिया था, और सिमिलरली जब पिछली दफ़ा 2015 से 2019 के दरमियान जो ट्रायल हुआ वो भी इसलिए हुआ कि वो उस वक्त जो दहशतगर्दी उरूज पे थी और उसके भी कंडीशंस लिखी गई हैं कि किन किन लोगों को ट्रायल किया जा सकता है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर नहीं होंगे, यानी ऐसी पार्टी के वर्कर नहीं होंगे कि जो कोई भी पार्टी रजिस्टर्ड होगी अंडर दी पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि आज आप सिविलियन को इस तरह कर सकते हैं ट्राई अंडर द आर्मी एक्ट, और ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और इस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा है, और बहुत सारी ह्यूमन राइट्स जो तंजीमें हैं उन्होंने भी इसको टेकअप किया है, और मेरा ख्याल है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर चला गया है। तो जब कोर्ट फैसला करेगी इस पर भी सारी चीज़ें सामने आएंगी। मैं नहीं समझता कि इनको इस तरह आवाम और फौज के दरमियान कोई दूरियां पैदा करने की ज़रूरत है, इससे दूरियां होंगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब मैं आता हूँ कि आपके उस बात की तरफ, देखें PDM के चार तीन वाली बात, चार तीन वाली बात, PDM की तमाम जमातें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से भागने के लिए, उनको एक रास्ता चाहिए था। देखें आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को आप साइड लाइन कर दें, क्या आइन इस बात का तकाजा नहीं करता कि आप 90 डेज में इलेक्शन कराएं? इस पर तो कोई किस दूसरी राय नहीं है। आइन आर्टिकल 224 कहता है, आइन का आर्टिकल 112 कहता है, जब असम्बलियाँ डिजॉल्व हो गई उनकी इलेक्शंस विद इन 90 डेज होने हैं, और जो इंटरिम सेटअप है उनका टोटल टाइम ही 90 डेज का है, उसके बाद वो सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो सुप्रीम कोर्ट कब करती है, क्या फैसला करती है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो यकम मार्च को फैसला दिया था उस वक्त सिर्फ एक इबहाम था, उस वक्त इबहाम ये था कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तारीख दे सकता है, गवर्नर दे सकता है, या दे सकता है इलेक्शन कमीशन। ये डिस्प्यूट था तीन इदारों के दरमियान। सुप्रीम कोर्ट में मैटर ये गया, बल्कि सारे सबसे पहली पटिशन मेरी थी, उसके बाद सोमोटो मैटर भी आया, और उसके बाद स्पीकर्स का केस भी आया। तो फैसला उसके अंदर सिर्फ ये था, पहले जो 9-मेंबर बेंच बना, उन 9 के 9 मेंबर बेंच ने 27 तारीख को लिख के दिया कि जनाब आप नया बेंच तश्कील दें। नया बेंच तश्कील हुआ, 5-मेंबर बेंच, 5-मेंबर बेंच में 3-2 का फैसला आ गया। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से भागने का इनका एक जरिया था, इनका एक तरीका था, जिसके लिए पार्लियामान में खड़े होकर भी जजेस पे तनकीद की गई और उनको मलाइन किया गया, ब्लैकमेल किया गया, और ये सारा ड्रामा। इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंस है? देखिए इस वक्त देख लेना जी, इस वक्त इंपॉर्टेंस इसलिए कि तारीख में एक चीज़ याद रखी जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आईन और कानून की बालादस्ती को बरकरार रखते हुए उन्होंने आईन के मुताबिक फैसला दिए, उन्होंने नजरिया जरूरत ईजाद नहीं किया। और ये याद रखा जाएगा
कि इस वक्त की तो तमाम वो पीडीएम की जमातें जो आज हुक्मरान बन के बैठी हुई हैं उन्होंने इलेक्शन को आईन के मुताबिक नहीं कराया और इलेक्शन से भाग गए। मेयरली ऑन दी ग्राउंड को उनके इलेक्शन में जीतने का चांस नहीं था। उस वक्त इमरान खान मोस्ट पॉपुलर लीडर था और इनको ख़तरा था कि अगर हम इलेक्शन में चले जाएंगे 14 मई हो या उससे पहले हो, जो 90 डेज 14 अप्रैल तक बनते थे, अगर हम इलेक्शन में चले जाएंगे हम पूरी तरह शिकस्त हो जाएंगे, और लिहाजा शिकस्त से बचने के लिए इन लोगों ने इलेक्शन से भाग गए। आइन के मुताबिक ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है, इसलिए आज मैं समझता हूँ आज भी आइन की बालादस्ती। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मरतबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदाब में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो, क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।